नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं प्रस्तुत हूं एक गंभीर विषय लेकर, औरतों में रक्त प्रदर और अत्यारतव। रक्त प्रदर का अर्थ है कि औरतों में अक्सर ब्लीडिंग होती रहे वेजाइनल वे से या वेजाइना से, जो अप्राकृतिक ब्लीडिंग होती रहे, माहवारी के समय ना हो, कभी कभी होती रहे, निरंतर बनी ही रहे, ब्लड ज्यादा निकलता रहे, या फिर जब औरत को माहवारी आती है, मेंसेस होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस समय जो नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए, नॉर्मल जो ब्लड निकलता है, उससे बहुत अधिक मात्रा में बहुत लंबे समय तक, यानी लगभग 8-9 दिन तक, कई लोगों को 15-15 दिन तक रेगुलर ब्लीडिंग होती है। कई स्त्रियों को लघु चक्रीय अत्यारतव होता है, यानी कि 5-5, 8-8 दिन में उनको बार बार माहवारी आती है, ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक चलती रहती है, या फिर माहवारी समय पर आई परंतु बहुत लंबे समय तक चली और हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या कई स्त्रियों को नेचुरली ब्लड गिरता रहता है। तो रक्त प्रदर और अत्यारतव, मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया तथा कृच्छार्तव, यानी कि खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, माहवारी में दर्द बहुत ज्यादा बना रहता है और ब्लीडिंग हैवी होती है, इससे क्या रहता है, स्त्रियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, हाथ पैर दर्द होने लगते हैं और काम नहीं कर पाती, थकान बहुत ज्यादा बन जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और कई बार यह स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि जीवन और मौत का सवाल उठ जाता है, यानी कि मृत्यु तक हो जाती है कई औरतों की। तो ब्लीडिंग यदि बहुत ज्यादा होती तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, तो कई बार शॉक लगने का, कई बार हेमिप्लेजिया या पैरालिसिस होने का, तो कई बार कोमा में जाने का, बेहोशी होने का, ऐसी कई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। यानी कि यह जो दो रोग हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत खतरनाक हैं, यदि किसी स्त्री को होते हैं तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे लाइटली ना लें, उसे थोड़ा सीरियसली लें और इसके कारणों पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों, सबसे पहले ऐसी स्त्री को खान पीन में मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता, सेव आदि का सेवन करना चाहिए। ज्यादा मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें तथा मांस, मदिरा और मैदा, बेसन, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी, ज्यादा तली भुनी चीजें, ज्यादा गर्म चीजें, कॉफी, चाय आदि का सेवन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री को कुम्हड़े की सब्जी जरूर खाना चाहिए या पेठे का सेवन जरूर करना चाहिए। अब मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं, यूं तो इसके लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी स्त्रियों को दर्द होता रहता है, पेट में, पीठ में कमजोरी बहुत ज्यादा रहती, चक्कर आते रहते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, थकान बनी रहती, काम करने की इच्छा नहीं रहती, आलस आता रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे कारण हैं, परंतु इलाज क्या है वह मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को जल्द से जल्द मैं खत्म करूंगा ताकि ये शॉर्ट रहे, आपके लिए अच्छा रहे। तो इसका जो इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा सरल इलाज है, पुष्यानुक चूर्ण डावर या वैद्यनाथ का ले लीजिए 100 ग्राम, सुपारी पाक डावर या वैद्यनाथ का ले लीजिए 100 ग्राम तथा 10 ग्राम आपको लेनी है मोती पिष्टी, 10 ग्राम आपको लेनी है कहरवा पिष्टी और 10 ग्राम आपको लेनी है कुक्कुटंडत्व भस्म। यहां पर सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगा, यहां पर सारी पिक्चर्स में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो ये दवाइयां लेने में। तो सुपारी पाक 100 ग्राम, पुष्यानुचूर्ण या पुष्यानुचूर्ण 100 ग्राम, कुक्कुटंडत्व भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, इन सभी को मिला लीजिए और मिलाने के बाद एक चूर्ण तैयार हो जाएगा। इन सभी को मिक्सर ग्राइंडर में या फिर खलबट्टे में अच्छे से पीस लीजिए, अच्छे से अवयवों को ऊपर नीचे अच्छे से मिला लीजिए ताकि कोई अवयव नीचे ना रह जाए, कोई ऊपर ना रह जाए, पूरी तरह मिक्स हो जाए, एक सार हो जाए। अब 6 ग्राम की मात्रा में लगभग 1 से 1.25 चम्मच या 1.5 चम्मच
जो टी स्पून होती है उसकी मात्रा में सुबह शाम चावल के धोवन से, यानी कि खाने के एक घंटे पहले या खाने के 20 मिनट पहले चावल के धोवन से, चावल का जो माड़ निकलता है, पानी निकलता है, उससे सुबह शाम स्त्री खाने के एक घंटे पहले 6 ग्राम की मात्रा में इस मिक्सचर का, इस चूर्ण का सेवन करे। उसके बाद 2-2 चम्मच लोध्रासव और पत्रांगासव 1 कप पानी में मिलाकर, 2-2 चम्मच लोध्रासव और पत्रासव, ये सभी चीजें डावर या गद्यनाथ की लेनी है, लोध्रासव पत्रांगासव 1 कप पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। और दिनचर्या अच्छी रखे, रात्रि जागरण ना करें, ज्यादा काम ना करें, हार्ड वर्क ना करें, और जो परहेज मैंने आपको बताया वह करें। तो दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि यह योग आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग इफेक्ट दिखाता है मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया अत्यार्तव रक्त प्रदर में, और स्त्री को बहुत ही जल्दी राहत मिल जाती है इस रोग से, और उसकी कमजोरी भी खत्म होने लगती है, थकान भी खत्म होने लगती है, और स्त्री पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तो अभी तक तो सैकड़ों हजारों लोगों ने इस पर इस योग से, मेरे द्वारा सैकड़ों हजारों मरीजों ने इस पर प्रयोग करके, मैंने उन पर प्रयोग किया और सफलता पूर्वक उनका यह रोग खत्म हुआ, और ताकत भी आने लगी, भूख भी बढ़ने लगी स्त्रियों में, दर्द भी कम होने लगा, और पूरी तरह रक्त प्रदर और अत्यार्तव ठीक हो गया। तो आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाता है यह योग, जरूर इसका प्रयोग करिए जल्दी से जल्दी ही। कोई भी स्त्री जो इस रोग से पीड़ित है वह यदि इसका प्रयोग करती है तो जल्द से जल्द वह इस रोग से पूरी तरह निजात पा जाती, कंप्लीटली ठीक हो जाती। तो विश्वास दिलाता हूं आप जरूर इसका प्रयोग करें, आपको पूरा फायदा होगा, 100% फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक्डइन फेसबुक फैमिली मेंबर्स फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह नुस्खा पहुंच सके और उन्हें फायदा हो सके। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वह चैनल है जो सच्चाई परोसता है, जिस चैनल पर मैं जो नुस्खे अपने मरीजों पर प्रयोग करता हूं और उनमें पूरी सफलता मिलती है वही मैं आपको बताता हूं। तो यह एक विश्वसनीय चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बताए गए हर नुस्खे से फायदा उठाएं। मेरे आगामी वीडियोस भी बहुत चमत्कारिक नुस्खों से भरे हुए होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। और यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं खतरनाक से खतरनाक बीमारियों की, गंभीर बीमारियों की, तो स्क्रीन पर यहां पर मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर अपनी समस्या लिखिए, रिपोर्ट्स भेजिए, नाम नंबर पता लिखिए, उसके बाद जब मैं व्हाट्सएप देखूंगा आपका फिर आपको मैसेज करूंगा, या आप मुझे कॉल करें, फिर आप मुझे कॉल करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने माह दवा चलानी होगी, 1 माह की दवा की कीमत क्या होगी और 1 माह में ही कितना फर्क पड़ने लगेगा। तो उतनी कीमत 1 दिन पहले मेरे अकाउंट नंबर पर एडवांस पेमेंट करने पर दूसरे दिन आपको दवा भेज दी जाती है, 5 से 8 दिन में दवा भारतवर्ष में पहुंच जाती है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण मैं आपको दवाइयां कैश ऑन डिलीवरी नहीं भेज सकता, इसलिए आपको 1 दिन पहले ही पैसे जमा करने पड़ेंगे, दूसरे दिन मैं आपको दवा भेजूंगा जो कि 5 से 8 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और सरल रहें। थैंक यू सो मच।